सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज बड़े अनयूजुअल तरीके से हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है। आज हम आए हैं मंगलम मोटोकॉर्प, जैसे कि हम हमेशा आते हैं। आज भी हम रिव्यू करेंगे। एंड आज ऐसे ही बस बैठे बैठे मूड हुआ कि सुपर मीटियोर 650 को राइड करके देखते हैं, तो साथ में इसका वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले इसका राइड रिव्यू हमने बनाया था और आज हम इसको वापस से एक बार लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 650 सीसी में ये मोटरसाइकिल बहुत दमदार है। अभी हम इसको एक संडे राइड पे भी लेके गए थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे इसके। चलते हैं, इसका राइड रिव्यू करते हैं। इसका एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी बढ़िया है, बस इसका ये हैंडल पूरा नहीं मुड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। चलिए निकालते हैं, शाम का टाइम है तो थोड़ा राइड भी हो जाएगा, रिव्यू भी हो जाएगा साथ में। एंड हियर वी गो। सो आप वैसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको 650 सीसी में सबसे बेस्ट रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल कौन सी लगती है? मुझे तो अभी करंटली अगर आप पूछेंगे ना, जो परफॉर्मेंस और जो बिल्ड है, जो फिट एंड फिनिश है, वो सुपर मीटियोर 650 की सबसे बेस्ट है। बट आपकी पसंद कौन सी है वो आप हमें बताइए। हम चलते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। यही तो बात है जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ सुपर मीटियोर को, कि इसका जो इनिशियल पुश है ना, वो इतना शानदार है। और ये मोटरसाइकिल बनी है हाईवे पे चलाने के लिए, क्रूज़र कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, परफेक्ट क्रूज़र वाला फील इसमें आपको मिलता है। तो हाईवे पे क्या चाहिए? हाईवे पे चाहिए लपक चिपक के चलने वाली गाड़ी, बिल्कुल नीचे, ग्राउंड क्लियरेंस कम, उसके अलावा सीट बिल्कुल नीचे, एंड चलाने में एकदम मज़ा, बिल्कुल चौड़ा हैंडल बार। ये सब फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं और सुपर मीटियोर 650 की यही खासियत है, और इसी वजह से मैं आज स्पेशली इसका राइड रिव्यू कर रहा हूँ। वैसे तो हम पहले सभी इसकी वॉक अराउंड करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, कहीं रोक के कर लेंगे, मैं स्पेसिफिकेशन बता दूंगा आपको। बाकी राइड में जो मज़ा है ना, वो अल्टीमेट है, जस्ट लाइक दैट। सो अल्टीमेट क्रूज़र मशीन है, इंजन काफ़ी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है ये 650 सीसी इंजन जो है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको काफ़ी टाइम हो चुका है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल जीटी में ऑलरेडी ये इंजन आ ही रहा था, अब इसमें सुपर मीटियोर में है, शॉटगन 650 में है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। एंड जो भी पुरानी कमियाँ थी इस इंजन में, वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, और ज़्यादा बेहतर इम्प्रोवाइज्ड इंजन इसमें है, वाइब्रेशंस भी नहीं है सबसे अच्छी बात। और हीटिंग का लोग सोचते हैं यार ये 650 सीसी बहुत ज़्यादा हीट करता है, इंजन हीट करता है, बट आपके जो इसमें फुट पैग्स हैं ना, वो इतनी सही पोजीशन पे हैं कि आपको हीट इसमें फील नहीं होती है, सबसे अच्छी बात यह है। तो जो इसका हीट फ्लो है ना, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसका डायरेक्शन आपके पैरों पर नहीं आएगा, तो आपको इतनी ज़्यादा हीट मतलब फील नहीं होगी पैरों पर। बाकी अगर आपको हाईवे राइड करनी है और कहीं लंबा जाना है, सुपर मीटियोर से जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। जो राइड करने का फील है वो सबसे बेस्ट है सुपर मीटियोर का। एंड मॉडर्न डे क्रूज़र्स में अगर मैं बात करूँ, इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है सुपर मीटियोर 650। हालांकि आप इसको थोड़ा ऑफ रोडिंग और इन सब में कम लेके जाएंगे, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए ये मोटरसाइकिल बनी नहीं है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और उसी हिसाब से आप इसको ज़्यादा अगर ऑफ रोडिंग में लेके जाएंगे तो बहुत टच वच होने की दिक्कत होगी, नीचे से कहीं भी अड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा। बट हाँ, ऐसे छोटे मोटे ख़राब रास्तों में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बिल्कुल ऐसी जनरल टॉक्स वाली बात कर रहे हैं हम, कोई इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मैं बिल्कुल रिव्यू के लिए इसको लेके आया हूँ, क्या पिकअप है, कौन से रेव रेंज में क्या मिल रहा है, इनिशियल पुश, ये सब ये जनरल टॉक है। बिल्कुल जो फील कर रहा हूँ मैं, वो आपको बता रहा हूँ। तो
ये जो फील है ना आपको, ये और किसी मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा सही में इस प्राइस रेंज में। आप दूसरी मतलब फिर ट्रायम्फ की कोई बॉबर या दूसरी मोटरसाइकिल लेंगे उसकी बात अलग है, बट जो ये परफेक्ट क्रूज़र रॉयल एनफील्ड का है ना, ये मशीन बहुत बढ़िया है। और इसमें सबसे अच्छी बात है फ्यूल टैंक भी बड़ा मिलता है, रेंज अच्छी मिलती है आपको, लंबी कहीं ले जा सकते हैं आप इसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। USD फॉक्स मिल रहे हैं तो सस्पेंशन अच्छा है, पीछे वाले सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं। बट ये मोटरसाइकिल है फॉर सिंगल पर्सन। अगर आपको ये वाला स्पेशली ये वेरियंट है, जैसे ये वाला है एस्ट्रल ब्लैक, तो ये है बेस वेरियंट, उसके बाद इसमें आता है इंटरस्टेलर एंड देन सेलेस्टियल। तो इस एस्ट्रल में पीछे क्या बैकरेस्ट नहीं आता है एज ए स्टैंडर्ड, वो आपको लगवाना पड़ेगा अगर आपको पिलियन को बिठाना है तो, क्योंकि कंफर्टेबल पिलियन तभी हो पाएगा। पीछे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक बार को थोड़ी सी हवा टाइट हो जाती है पिलियन की अगर इतनी एकदम से आप इसको पुश करेंगे ना, और सब चीज़ों में तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है पिलियन को। तो पिलियन के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप पीछे बैकरेस्ट लगवा लें चाहे कोई सा भी वेरिएंट लें, मतलब एस्ट्रल में स्पेशली, क्योंकि इसमें बैकरेस्ट नहीं आता है, फिर इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल में तो आपको बैकरेस्ट एज ए स्टैंडर्ड मिलता ही है। तो आप उसमें मतलब पिलियन के लिए थोड़ा बहुत सोच सकते हैं आप अगर आपको है ऐसा तो। बाकी अगर आप सिंगल चल रहे हैं तो फिर इस मोटरसाइकिल से बेस्ट कुछ भी नहीं है हाईवे पे स्पेशली। तो यही बात है, एंड शाम का टाइम हो रहा है तो काफ़ी बढ़िया फील जो है मोटरसाइकिल जो राइड करने का फील है ना, वो मैं फील कर पा रहा हूँ इसमें। और आपको भी मतलब ये मोटरसाइकिल लेने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लंबी राइड पे जाओ, शाम को कभी निकलो आपके घर के आसपास जो भी हाईवे हो नियर बाय उस पे जाके थोड़ा बहुत घूम फिर के आओ तो भी मज़ा आएगा आपको। एंड इसका गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, क्लच काफ़ी स्मूथ है और एडजस्टेबल लीवर्स हैं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। और ये सब जो फिट एंड फिनिश है ना, ये एल्यूमिनियम फिनिश, ये भी काफ़ी प्रीमियम लगती है दिखने में। सो ये थी बात ओवरऑल इसकी इन सभी के बारे में। एंड सिटिंग पोजीशन तो इसकी अल्टीमेट है, बिल्कुल फुटपैक्स आगे मिलते हैं, क्रूज़र मोटरसाइकिल वाला जो फील है वो आपको परफेक्ट मिलेगा। ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, डुअल चैनल ABS हर वेरिएंट में है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बाकी अगर आपको 650cc में कोई दूसरा पर्पज़ के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, मान लीजिए कैफे रेसर चाहिए, तो फिर आपके लिए GT है। रोडस्टर स्टाइल चाहिए अगर आपको तो इंटरसेप्टर है, एंड अगर बॉबर स्टाइल चाहिए तो वो है शॉटगन 650। तो आप उसमें से कोई भी मोटरसाइकिल कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ये ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट 650cc रॉयल एनफील्ड कौन सी लगती है। अब हम थोड़ा सा हाईवे पे आ चुके हैं, मतलब अब हाईवे का भी थोड़ा सा मज़ा लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, वैसे भी मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं इतनी देर में आपसे। थोड़ा सा हाईवे का भी एक बार चक्कर काट के आते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या बढ़िया फील मिल रहा है। सो हाईवे पे आते ही मतलब मोटरसाइकिल भी ऐसा लगता है बोलती है कि पिकअप पिकअप पुश। सो वी आर ऑन द हाईवे, सो इस मोटरसाइकिल का जो पर्पस सॉल्व होता है वो हाईवे पे ही होता है। हाईवे पे आने के बाद आप इसको बहुत आसानी से मतलब कितनी भी स्पीड पे भगा सकते हैं। बस ये है मुझे जो फील हुआ अभी, मैंने थोड़ी स्पीड में चलाई इसको, थोड़ी हायर RPM पे वाइब्रेशंस फील होते हैं एंड उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बस वो एक बात है। बाकी मतलब एक नॉर्मल 100-120 की स्पीड पे अगर आपको इसे चलाना है तो बहुत आराम से मक्खन चलेगी बिल्कुल ये गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये एक बात है। एंड आज रुक के बात नहीं करते हैं, आज हम चलते चलते ही बात करते हैं सारी चीज़ों की। इसमें LED हेडलाइट आपको मिलती है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, आगे पीछे एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। एंड इसके इंजन की अगर बात करें तो इंजन मिलता है आपको इसमें 648cc का ट्विन सिलेंडर
एयर एंड ऑयल कूल्ड, BS6 फेज 2 कंप्लायंट, एंड इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 47 BHP पावर, 52 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये थी इसके स्पेसिफिकेशंस की बात, एंड आप बताइए कैसा लग रहा है एकदम POV। यही थंबनेल है हमारा, थंबनेल इसी को ही बनाएंगे। बढ़िया खाली सड़क है तो एकदम थंबनेल बढ़िया बनेगा। तो ये एक बात है, इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन मिल जाता है, ये सेमी डिजिटल मिलता है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये चल नहीं रहा है क्योंकि इसका कहीं फ्यूज़ थोड़ा सा लूज़ हो रखा है। उसको कोशिश भी करी मैंने सही करने की, बट वो हो नहीं पाया वहाँ पे। ये 43 किलोमीटर से आगे बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि इसका ये सब चीज़ें सिस्टम हिल चुका है। तो ये टेस्ट राइड व्हीकल है शोरूम का, बट इसमें ये सब चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो पता नहीं इसका, अनफॉर्चुनेटली आज ही के दिन ये सही नहीं होना था क्योंकि मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि आज इसका राइड रिव्यू करेंगे, बट ठीक है। बाकी इसमें ये सब गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, टाइम है, फ्यूल गेज इसमें दिख ही रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। शोवा की बैजिंग यहीं कहीं मिल जाती है आई थिंक, यस ये शोवा की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। सो ये थी बात। हैंडल बार इसका काफ़ी चौड़ा है, हैंडल पे मज़ा आ जाता है। सो हैंडल की कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल टैंक इसका 15 लीटर्स का है, तो काफ़ी अच्छी रेंज आपको मिलेगी, आप लंबा इसको ले जा सकते हैं। एंड सो ओवरऑल ये सभी बात थी। एंड अगर आप 650cc मोटरसाइकिल लेने का विचार कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड में, तो एक बार सुपर मीटियोर को ज़रूर चला के देखना, सुपर मीटियोर 650 को, क्योंकि इसका फील काफ़ी डिफरेंट है। एंड मेन अगर आपका हाईवे का पर्पस है, आप हाईवे पर राइड करना चाहते हैं, और सिटी में भी काम आएगी मोटरसाइकिल, बस सिटी में ये है कि थोड़ी भारी है मोटरसाइकिल, तो आप इसको कहीं ज़्यादा भीड़ भड़क्के वाले इलाके में नहीं ले जा पाएंगे, वहाँ पर घुमाने उमाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी इसकी कंट्रोलिंग अल्टीमेट है, कंट्रोलिंग का बहुत बढ़िया है, कॉर्नरिंग करने में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अल्टीमेट, सो इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल। अगर मैं फिट एंड फिनिश और जो इसका अपीयरेंस बल्कीनेस, जो लुक्स रोड अपीयरेंस की बात करूँ, दिस इज़ द बेस्ट रॉयल एनफील्ड अगर आप स्टेटस के लिए ले रहे हैं तो। सो दिस इज़ द स्टेटस किंग, और ये वैसे भी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की, तो सभी चीज़ें बेस्ट मिल रही हैं इसमें आपको। सो ये था हमारा आज का एक बिल्कुल ही कैजुअल रैंडम वीडियो सुपर मीटियोर 650 की राइड का। ऐसा वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा, मैं बिल्कुल व्यवस्थित वीडियो बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, फिर सब चीज़ों की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बट आज का ये बिल्कुल कैजुअल अनएक्सपेक्टेड वीडियो था, एंड आगे ऐसे और वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ मैं, जिसमें आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें दिखाऊँ मैं, कि बिल्कुल ड्राइव के बीच में कोई पॉइंट आ गया, उसका वीडियो बना दिया कि भाई ये सिचुएशन अगर आपके साथ हुई तो आप क्या करोगे। एंड ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं हमारे पेज पे, तो बने रहें, स्टे ट्यून्ड ऑन अवर चैनल। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।